रोके। अल्लाह तेरा नाम मेरा। मिनू भाई उधर से उधर से उधर से। बच्चे लोग ऊपर बाबा तेरा नाम रहेगा। अब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा तेरा नाम रहेगा। जिंदाबाद। जिंदाबाद। साहेब कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद। अजय कुमार लल्लू जिंदाबाद। राघवेंद्र सिंह मीनू जिंदाबाद। राघवेंद्र सिंह मीनू जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी। आपका शुभ नाम? मैं विनेश सिंगाल, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला प्रभारी आगरा। आज खंदौली में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती यहां पर मनाई जा रही है और बड़े ही उल्लास के साथ, सामाजिक समरसता के साथ आज यहां पर हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के बहुत ही जुझारू जिला अध्यक्ष श्री ठाकुर राघवेंद्र सिंह मीनू जी, हमारे SC अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष बड़े भाई श्री अमितचंद जाटव जी, चौधरी बच्चू सिंह जी वरिष्ठ सीनियर कांग्रेस नेता एवं अन्य हमारे सुभाष उपाध्याय जी और वरिष्ठ साथीगण और समाज के हमारे दलित समाज के सभी लोग हैं, कांग्रेस जन हैं। आज 130वीं जयंती मनाते हुए हम सभी को बड़ी खुशी हो रही है कि बाबा साहब ने जो आम गरीब जनता, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए और किसानों के अधिकारों के संरक्षण के लिए जो उन्होंने बात कही थी, उससे आज हमारे देश में सभी वर्ग का सशक्तिकरण हुआ है, लोकतंत्र मजबूत हुआ है। आज बाबा साहब जी की जयंती पर हम सभी उनके चरणों में अपने भावनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संकल्प लेते हैं, जिस प्रकार से बाबा साहब ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को, सामाजिक बुराइयों को दूर करने का जो कार्य किया, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का काम करेंगे। हमारे समाज में सामाजिक सौहार्द बरकरार रहे, सामाजिक समानता रहे, लोकतंत्र। जयंती मनाई जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे और इससे समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज 130वीं जयंती है बाबा साहब अम्बेडकर जी की। बाबा साहब पिछड़ी जाति से जरूर थे पर विश्व के माने हुए बुद्धिजीवियों में से थे, ज्ञानों के वेत्ता थे। तो उन लोग, उनका जो विचार था वो सिर्फ यही विचार था कि जो लोग गरीब तबके के पिछड़े हुए लोग हैं, जो लोग उभर नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम बाबा साहब ने किया। जो लोग अवसरवादी और सामंतवादी ताकतें थीं, उन लोगों को एक साथ बैठाने का काम बाबा साहब ने किया। जो अशिक्षित लोग थे उन्हें पढ़ाने का काम किया। कांग्रेस हमेशा बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलती चली आई है और हमारी प्रियंका गांधी जी, अजय कुमार लल्लू जी, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में उसी तर्ज पे हम लोग गांव-गांव जाके आज जयंती मना रहे हैं। मैं यहाँ मना रहा हूँ और बाकी के पदाधिकारी जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी अपनी अपनी जगह पर गाँवों में, शहरों में आज की जयंती कांग्रेस की तरफ से मनाई जा रही है। जय हिंद। बाबा साहब की 130वीं जयंती पर समाज को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं अमितचंद जाटव, अध्यक्ष SC/ST विभाग कांग्रेस। 130वीं जयंती पर जो हमारी पार्टी ने कार्यक्रम समरसता के रूप में चलाया है, कल हमने अपने आसपास की मूर्तियों की साफ सफाई की, सुबह से हम माल्यार्पण कर रहे हैं मूर्तियों पर और आपके सामने यहाँ ये कार्यक्रम हुआ है। तो समरसता मतलब सारे समाज को, सभी वर्गों को एक साथ लेकर हम आगे बढ़ें। बाबा साहब का भी यही सपना था। संविधान के तहत बाबा साहब ने प्रत्येक जाति वर्ग धर्म को जो समानता का अधिकार दिया, उसी के तहत हमारी पार्टी भी चाहती है कि सभी धर्म, सभी जातियां एक साथ जुड़ें और इसी समरसता दिवस के रूप में आज के 130वीं जयंती को हम मना रहे हैं। आज बाबा साहब की 130वीं जयंती
पूरे हिंदुस्तान में मनाई जा रही है और बाबा साहब ने की जयंती को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, इस पर आप प्रकाश डालें। बाबा साहब इस देश की वो शख्सियत है, अगर हम आज लोकतंत्र को लोकतंत्र कह रहे हैं केवल बाबा साहब की वजह से, क्योंकि उससे पहले अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों से पहले मुगलों का शासन था, और मुगलों से पहले जो हिंदू व्यवस्था थी वो एक ऐसी व्यवस्था थी कि उसी के पदचिन्हों पे चल के जब आज़ादी मिली हमें तो कुछ लोगों ने सोचा कि सिस्टम वैसा ही बनाया जाए, लेकिन बाबा साहब ने आगे आकर समाज को पहले उसको एनालिसिस किया और कास्ट पे सबसे पहला एनालिसिस केवल बाबा साहब ने किया। उन्होंने समझा कौन सी जातियाँ दबी हुई हैं और कौन जातियाँ उन्हें दबाई हुई हैं, तो उन्होंने एक ऐसे संविधान की निर्माण किया और सबसे ज़्यादा सपोर्ट उस संविधान में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इस चीज़ को आगे रखा। अगर उस समय पे ये सरकारें होती तो शायद बाबा साहब संविधान कभी नहीं लिख पाते। तो बाबा साहब वो देखे गए हैं जिसकी वजह से आज हम बोल पा रहे हैं, खड़े हुए हैं। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।